हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद दीदी मन में। केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षक भर्ती 2023 जयपुर रीजन से 2 KVS से वैकेंसी आउट हुई है। यदि आप एलिजिबल हैं यहाँ पर तो बिना परीक्षा के आप लोग टीचर बन सकते हैं। कोई भी फीस आप लोगों से नहीं ली जाएगी। लास्ट डेट जो है वो 21 जुलाई रहने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बिल्कुल प्रूफ के साथ ही काम करते हैं। जो भी नोटिफिकेशन होता है मेन साइट पर जाके हम लोग सर्च करते हैं और वहां से डाउनलोड करके आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। केंद्रीय विद्यालय इंद्रपुरा से वैकेंसी आई है और ये जो जगह है वो कहां है तो ओलका की धानी तहसील उदयपुरवावती झुंझुनू राजस्थान में है। जो भी स्टूडेंट देख रहा है यहां का है जरूर यहां पर जाकर अप्लाई करें। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट चाहे वह किसी भी जिले से संबंधित हो या फिर अन्य राज्यों से हो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। किसी के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। 6 जुलाई का ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई है। तो 21 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर ले और 3-4 दिनों बाद ही आप लोगों का इंटरव्यू भी हो जाएगा 24 जुलाई। तो मैंने आपको जो है पहले भी बताया है कि जितने भी केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका शिक्षकों की जो वैकेंसी है और या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी अगर 1-2 वैकेंसी निकल रही है तो जल्द से जल्द ये फिल किए जाएंगे, क्योंकि सेशन जो है वह स्टार्ट हो चुका है 2022-23 का और बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स जो हैं वो बिल्कुल ज़रूरत है। तो एंड तक यानी जुलाई के एंड तक सारे टीचर्स की जो वैकेंसी है वह फिल हो जाएगी। साक्षात्कार हेतु स्थान रहेगा केंद्रीय विद्यालय इंद्रपुरा। ध्यान रखना है 24 जुलाई को आप लोगों को पहुंच जाना है 9 बजे से, यानी कि 8 बजे तक आप स्कूल में पहुंच जाएं। ठीक है, समय पर पहुंच जाएं ताकि वहां जो है जो भी चीजें हैं वो आप लोगों को पता लग सके। योग्यता यहां पर मांगी गई है ECCE ट्रेंड बाल वाटिका टीचर्स के क्वालिफिकेशन जो है वो 12th 50% मार्क्स के साथ और साथ में डिप्लोमा। यदि आपने बीएड नर्सरी से किया है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने 2 सालों से कम नहीं हो यानी 1 साल का भी अगर DECED या प्री स्कूल एजुकेशन आपने किया है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। यानी 2 सालों तक का जो आपने डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। किसी ने 9 महीने का किया होता है, किसी ने 1 वर्ष का किया होता है। यहां पर जो है आवेदन दिनांक 21 जुलाई तक या तो खुद जाना है व्यक्तिशः या फिर डाक द्वारा जमा कराना है। अब जो है वो डाक द्वारा आप लोग अगर जयपुर में ही रहते हैं तो आप जो है स्कूल में जाकर ही जो है वो जमा करवाएं। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय इंद्रपुरा ये जो है वो आपका एड्रेस रहेगा, यहाँ पर आप लोगों को पहुंचना। यदि कोई दूर का स्टूडेंट है तो वो बिल्कुल स्पीड पोस्ट कर दे, आज ही कर दे। आपको क्या करना है, लिफाफे पर एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ बाल वाटिका टीचर्स ऑन पार्ट टाइम या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस स्पष्ट लिखा होना चाहिए। तो लिफाफे के ऊपर आप लोगों को ये जरूर लिखना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ बाल वाटिका टीचर्स ऑन पार्ट टाइम ऑब्लिक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, और उसके नीचे जो है वो एड्रेस लिखेंगे ओलका की धानी तहसील उदयपुरवावती झुंझुनू, ठीक है, राजस्थान। ऊपर जो है केंद्रीय विद्यालय इंद्रपुरा के लिए और नीचे जो है वो आपके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, पूरा कि किसके लिए जो है आप अप्लाई कर रहे हो, आपका नाम पता एड्रेस आपकी क्वालिफिकेशन ये सब कुछ जो है वो आपको फिल करना है। इसको आप जो है डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, इसको फिल कर लेंगे, स्कूल में जो है वो या तो जमा करवाएं, दूर रहते हैं तो बाय पोस्ट जो है स्पीड पोस्ट करना है आपको, क्योंकि समय जो है वो अब नहीं है इतना। 21 जुलाई जो है इसकी अंतिम डेट है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वह लालगढ़ जट्टन से है। तो चलिए देख लेते हैं, ये इसका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म ही इन्होंने डाला है। ठीक है, क्योंकि डिटेल में जानकारी जो है वो सभी बच्चों को मिल ही चुकी है। 12th यहाँ चाहिए, डिप्लोमा चाहिए NTT में, या फिर कोई 2 वर्ष से कम का आपने प्री स्कूल एजुकेशन किया है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल सेम जो है वो आप लोगों का रहेगा प्रोसेस कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय लालगढ़ जत्तन के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं तो आप लिखना है आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर टीचर फॉर बाल वाटिका, ठीक है, या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर। ये जो है वो आप लोगों को बायोडाटा कंप्लीट भर लेना है और आप लोगों को लालगढ़ जट्टन जो कि जयपुर रीजन के अंतर्गत ही आता है तो यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर कैसे अप्लाई करोगे तो देखो, गूगल में आप लोग जो है बिल्कुल सर्च करोगे लालगढ़ जत्तन KVS या कोई भी जयपुर रीजन के अंतर्गत अगर KVS आ रहा है तो उसके लिए आप ऐसे ही अप्लाई करोगे। गूगल पे सर्च करना है लालगढ़ जत्तन KVS, तो सबसे ऊपर आपके जो है लालगढ़ जत्तन की जो है केंद्रीय विद्यालय की साइट जो है वो ओपन हो जाएगी। इसको आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर नीचे आप देखेंगे अनाउंसमेंट व्यू ऑल, ठीक है, तो व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे ताकि आपको एकदम क्लियरली जो है वो सारी चीजें नजर आ जाएं।
तो सबसे ऊपर ही ऊपर देखिए पब्लिश डेट जो है वह 10 जुलाई को यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं नोटिस आ गया था लालगढ़ जतन से, ठीक है, जयपुर रीजन के अंतर्गत ही आता है ये भी। तो यहाँ पर सबसे नंबर वन पर बायोडाटा फॉर्म फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर बाल वाटिका फॉर द सेशन 2023-24। कई स्टूडेंट को जो है नहीं पता लग पा रहा था, इसलिए सारी जानकारी मैं हर वीडियो में देती हूँ। तो इसको जो है वो आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद जो है ये पेज ओपन हो जाएगा। तो एप्लीकेशन जो है वो क्या भरना है आपको, ये सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, तो आप लोग ऐसे भर देंगे। क्या भरना है, दो तीन स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे, तो नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर टीचर फॉर बाल वाटिका ये तो लिखा हुआ है, नाम अपना लिखना है, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी ये लिखना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका जो एड्रेस लिखना है अभी हाल ही का, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड ये लिखना है, जेंडर लिखना है मेल है या फीमेल है, कैटेगरी आपकी लिखनी है, अगर कैटेगरी का जो आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वह भी आप लगाएं अगर कैटेगरी शो कर रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वह 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरना है आपको, 10th की कंप्लीट भर देना है, 12th का भर देना है, ठीक है। प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहां पर लिख देंगे कि आपने कौन सा डिप्लोमा किया है, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो लिखें और अन्यथा यहां पर ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद यहां पर डेट लिखें जिस डेट को आप पोस्ट कर रहे हैं, जगह का जगह लिखें जहां से आप भेज रहे हैं, और आप नीचे जो है वो अपने नाम और ऊपर जो है सिग्नेचर कर दें, ठीक है। कंप्लीट जो है ये चीज आपको पता चल गई। तो चलिए, और भी अगर वैकेंसी जयपुर रीजन के अंतर्गत या फिर और भी किसी रीजन के अंतर्गत आती है तो मैं आप लोगों को फटाफट से बता दूंगी, जिस दिन वीडियो बनता है उसी दिन आप देख लें, क्योंकि डेट जो है वह आप निकलने ही वाली है, 30 जुलाई तक सभी जो है यहाँ पर वैकेंसी फिल हो जाएंगी। थैंक यू।